आप 10 रन ने हल्की गेंद को जिस तरह से पांच के आउट की जमीनी गेंद थे जाले यहां पर नराराम ने आखिरकार बहुत ही शानदार गोल में तब्दील कर दिया। गोलकीपर गेंद को समझ नहीं पाया और भले के भले रह गए। जिन इंसानों की पहचान होती है लंबी और सटीक की और ये बॉल जर्सी नंबर 11 सन्नी हेब्रॉम जर्सी नंबर 31 विशाल लोहार जर्सी। तो रेहान एमसी जुबान के नाम से अभी भी एक सज्जन 500 रुपया का बेट लगाए हैं। अगर कोई उनके विपक्षी टीम के तरफ से बाजी लगाना चाह रहे हैं रग में फुटबॉल तोड़ रही है और ये लंबी की गोलकी के रूप में यहाँ पर गेंद को आपने कंट्रोल नहीं किया था। 10 रुपया कमाए जो मेरे लिए ले सकता धीरे धीरे मैं सपोर्ट दिया करे विदय यू का रेहान एमसी जुमाल टीम खेल के होने तो भैया का नाम टीम ने सिर्फ इन दावेदार की भैया का नाम एक जाए जीत को अमरम सिर्फ आप इनाम लगी कोइन मस्ता करा बॉल ने अपने अपने रापा डिवेलप के प्रयास में प्राप्ति ने जुमाल करा की बेड सोए साउट बेड जुमाल हरियाणा जर्सी थे आर्मी का टीम रेहान एमसी जुमाल समय जब आया तो आपके पहुंचने का दे जोएसा बॉक्स का कंट्रोल करने का प्रयास रॉन्ग टिकल तय करा और फ्री किक का दाव को जमा जोएसा को कुछ मुकाबला करा। दर्शकों बिल्कुल निजरा सांस रुको का दिनों में से इधर दसवां वाल लेकर की दी उतरा ना पास शॉट ताक भी रहा है उठी का कितने प्रयास था है करा मैं खान बोल चितम चितम दे चलाओ करा गोल लाइन करा आखिर कोटिया सपना हृदय रे क्रीडार स्पंदन आखिर कोटिया सपना हृदय रे क्रीडार स्पंदन मन रे असमारी आशा पदेई दई होची फुटबॉल रो परिभाषा एवं फुटबॉल के हृदय गम करने पर प्रत्येक दल खिलाड़ी प्राण मूर्छा उद्यम जारी रखी संघर्ष मैदान रे घोड़ी धरे यहाँ एमसी जुमा दिन खिलाड़ी तीन प्रकृति अपन को डिफीट करने पर प्रयास जारी रखी इतिमध्ये बल को छिन्न करने पर सफल रही चंदी जय सा टू के टू टीम खिलाड़ी सुंदर ड्रिबलिंग सुंदर पास 7 नंबर खिलाड़ी भाई और 7 नंबर खिलाड़ी बड़ी कंट्रोल के बारे प्रयास खिलाड़ी विपक्षी टीम है रेड ब्लू के प्रेशर में रेहान मौका बना रहा है जिस तरह से अपना बात को जिक्र किए टीम बहुत ही शानदार ये मुकाबला को खेल रही है। एक तरफ रिहान एफसी आग उगलता सोलह की तरह दहकता हुआ चिंगारी की तरह बारूदी रफ्तार से मैच को खेल रही है और ही जैसा टू के टू जुआ बहुत ही बेहतरीन ने अब तक हर मुकाबले में अपने से भी बड़े बड़े प्रतिद्वंदी टीम को पछाड़ कर इस मुकाम तक एक अंतिम गोल बहुत ही सुंदर यहाँ पर ओपनिंग गेंद को बचा लो क्या वापस दस रन में हल्की गेंद को जिस तरह से पांच के आउट की जमीनी गेंद थी चले यहाँ पर नराराम ने आखिरकार बहुत ही शानदार गोल में तब्दील कर दिया। गोलकीपर गेंद को समझ नहीं पाया और भले के भले रह गए। गोलकीपर पर बुझा पके नहीं रहा शॉटिंग रिमिटन क्वालिटी कितने आता जस्ते तो चलाते ना नराराम बॉल ने तेरे कब्जे नहीं ना जस्ते को जस्ते बॉल तेरे के तेरे बॉल ने जैसा टू के टू चुमान कभी कभी चाचा भाती जब भी खेलते हैं एक टीम साथ कभी कभी एक टीम में दो या तीन चार भाई भी साथ प्रतिद्वंदी खेल के नजर से अगर देखा जाए तो दुश्मन से बड़ा नहीं होती है लेकिन मुकाबले के संतुलित टीम यहाँ पर मैदान पर खेल रही है। मौका होगी यहाँ पर गोल दगने के लिए काफी खूबसूरत थी यहाँ पर कैंडी लेफ्ट लेग से लेफ्ट फुट के रूप में गेंद को किक लगाने का प्रयास करता हुआ लेकिन गेंद को समझ में नाकाम यहाँ पर कैंडी अनुभव टीम निकल रही है पर फागो अच्छे तालमेल फिर से नोनाराम के नोनाराम एक गोल देखते हैं दसवां के लिए काउंटर हेड करने का लाभ मिल सकता है। दसवां लंबे कद के खिलाड़ी दसवां की अगर बात की जाए तो एजी से चौड़ा कोलाबरे एरिया से बिलोंग करते हैं लेकिन बड़े बड़े फाइनेंशियल की टीम से हर बड़े टूर्नामेंट में तहलका मचा देते हैं लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा बहुत ही खूबसूरत पास अपने गेंद पर पाया के लिए गेंद पे जीत राइट डिफेंडर कर बैठे हुआ वहां जो रेहान एफ से जुमाल के टीम के लिए चले अनुभव टीम की कर यहाँ पर कैंडी
गेंद को फ्लिक किया गया गेंद यहाँ पर अच्छी हेडिंग करने प्रयास राहुल युवा खिलाड़ी कम उम्र के खिलाड़ी सन से कम उम्र के युवा खिलाड़ी को यंग प्लेयर का अवार्ड से छह में फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी के लुका पोदोल्स्की और 2022 में अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस को यंग प्लेयर का अवार्ड से सम्मानित की गई है। फाइनल मैच में मैन ऑफ उनको मेडल देकर बेस्ट डिसिप्लिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को ट्रॉफी से सम्मानित किया। मैन ऑफ द मैच केएफ से राजनगर के सौजन्य से मैन ऑफ द मैच जो सम्मानित किए जा रहे हैं प्रत्येक मैच में ये केएफ से राजनगर की ओर से ये प्राइज को डोनेट किया गया है। साथ ही साथ बेस्ट सेट डिफेंडर को जर्सी सेट से सम्मानित किया जाएगा। ये मुंबई स्टाइल क्लॉथ स्टोर स्वर्ण कॉम्प्लेक्स राजनगर के सौजन्य से सम्मानित किया जाएगा। फाइनल में जो पहला गोल दगने वाले खिलाड़ी को सेगा स्टार बूट से सम्मानित किया जाएगा। प्राज को केजीएम के सौजन्य से सम्मानित की जाएगी। फाइनल मैच में सेकंड गोल यानी कि रिटर्न गोल जो या सेकंड गोल जो दागेंगे उनको भारत भैसरे की ओर से सम्मानित किया जाएगा 500 का नगद इनाम राशि से। और इस टूर्नामेंट का सबसे तेज गोल दगने वाली खिलाड़ी को अनुष्का सुसेंटर बारह कदम की ओर से सबसे तेज गोल खिलाड़ी को सम्मानित की जाएगी। बेस्ट किकर ऑफ द टूर्नामेंट को फुटबॉल से सम्मानित किया जाएगा। कृष्णा महतो प्ले बिग सिंगर के द्वारा इस पुरस्कार स्वर्ण के द्वारा केजेएम जुमाल की ओर से 500 रुपए से सम्मानित किया जाएगा। बारह कदम की ओर से सम्मानित मैदान पर खेलता हुआ और पाकिस्तान के सियालकोट में फुटबॉल को बनाया गया था। लेकिन आज हमारे इस टूर्नामेंट में फुटबॉल की अगर बात की जाए तो एक ब्रांडेड फुटबॉल से गुलाब का फुटबॉल से आपको खिलाया जा रहा। चलिए अपन बाबू बहुत अच्छी ताल मिले अपन कैंडी जख्मी शेर की तरह मैदान पर दहरता हुआ एक शौले की तरह यहाँ पर एक दूसरे को पिछड़ने के प्रयास करता हुआ अच्छी ताल में बनाने के प्रयास। लेकिन अपन डूबो फिर से यहाँ पर रेड जोन में विंगर प्लेयर यहाँ पर सन्नी दोंगो के लिए सन्नी चलिए अपन डूबो फिर से अच्छी पास यहाँ पर कैंडी के लिए यहाँ पर गेंद को तो उसे रफ्तार लाना होगा क्योंकि टीम शून्य के मुकाबले पीछे रही है। अगर सो हेवी खेल को खेलेंगे तो रफ्तार बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। पर नुनारा अच्छी ताल में लेकिन फिर से नुनारा आप देखिए गोल देख चुके हैं अच्छी ताल में विमल के लिए एटिंग का मोमेंट को बनाने का प्रयास करता हुआ यहाँ पर मौका होगी बहुत खूबसूरत यहाँ पर गेंद को सजा करके किक लगाने प्रयास। और चलिए यहाँ पर एक आसान दसवां थासना एक अच्छी फील्ड में तब्दील करते हैं तो विपक्षी दल यहाँ पर साथ यहाँ पर बैक फुट में टैकल में यहाँ पर कामयाब हो सकते थे। प्रभात ज्यादा है कि कीचड़ के बीच में रहकर भी कमल की तरह खिलना सीखो कीचड़ के बीच में रहकर भी कमल की तरह खिलना सीखो कांटों के बीच में रहकर भी गुलाब की तरह बरना सीखो रात के बीच में रहकर भी आग की तरह धरना सीखो स्थिति चाहे जैसी भी हो थोड़ी सी मुस्कुरा सीखो और स्थिति के साथ सूचना सीखो। फिलहाल यहाँ पर कांटे खाने के लिए प्रयास करता हूँ फिर पास नहीं है टीम के कप्तान कैंडी के लिए और गोलकीपर एक खिलाड़ी को बीट किया और बीट करने के बाद डिफेंडिंग जोन के खिलाड़ी जस्ट नंबर 3 के लिए रिलीज करता हुआ यह 20 साल और इसी बीच पूरा यहाँ पर नुनाराम जो कि इस मैच के दरमियान एक गोल दागे हैं अपने टीम के लिए बीट गिरा पाए हैं। फिलहाल यहाँ पर गेंद के करीब पहुंचने का प्रयास टैपिंग करने के लिए प्रयास नहीं थी और नंबर 12 फाउल फाउल मिसकंडक्ट आउट करेंगे रियान एफसी शिवाल टीम के खिलाड़ी होती है जिनसे इंसानों की पहचान होती है लंबी और सटीक की और यह गोल जस्ट नंबर 11 गुड मूविंग शॉट और गोल में तब्दील होता हुआ यानी कि 2-0 के बढ़त पर आ चुका है रियान एफसी शिवाल टीम के खिलाड़ी
तरफ से जो खिलाड़ी बाजी लगाना चाह रहे थे मन ही मन में ये कोस रहे होंगे कि कोई और करोड़ रुपया मुझे मिल जाती है। और बिल्कुल जहां तक प्रभास आज रेहान एफसी की टीम के खिलाफ भी काफी लग ही रहा है और काफी बेहतर खेल भी खेला है। मैं तारीफ करना चाहूंगा, हर जोन में विपक्षी दल को पटकने दी है और उसी अंदाज में इस मुकाबले का चले मैन ऑफ द मैच का अवार्ड को हम लोग और